क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वी वन इज इक्वल्स टू 2i+3j-k एंड वी टू इज इक्वल्स टू i+2j-k। सो वी वन दिया है मुझे 2i+3j-k एंड वी टू मुझे दिया है i+2j-3k। अब पूछा है मुझे प्रोडक्ट ऑफ वी वन इंटू वी टू। जब ये प्रोडक्ट बोले तो हमेशा हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो वी वन क्रॉस वी टू इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारा आई जे के, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। हमने सेम टाइप का एक न्यूमेरिकल किया है, आप चाहे तो ये कैसे है आप वो एक वीडियो से देख सकते हैं, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वेक्टर के लिए, लाइक ए एक्स प्लस बी वाई आई जे प्लस ए वाई प्लस ए जेड के कैप वेक्टर इज इक्वल्स टू, इक्वेशन है वी इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस ए जेड के। हम इसको इक्वेशन वन से कंसिडर करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा ए एक्स इज इक्वल्स टू टू बी ए वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड ए जेड इज इक्वल्स टू -1। सिमिलरली मैं अनदर इक्वेशन लिखता हूँ वेक्टर का इन टर्म्स ऑफ बी बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अभी हम इसको सेकेंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो देखिए मुझे मिलेगा बी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बी वाई इज इक्वल्स टू 2 एंड बी जेड इज इक्वल्स टू -3। के बी जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पे है -3 जे आएगा जे जे बी वाई इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे आई आई सेम है तो बी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड मिल गया। मैं इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो वी वन क्रॉस ऑफ वी टू इज इक्वल्स टू आई जे के ए एक्स विल बी 2 ए वाई 3 ए जेड -1 बी एक्स 1 बी वाई 2 बी जेड -3। आई हम बाहर ले लेते हैं तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 इंटू 3 -9 माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस ऑफ जे। अब सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो तो 2 इंटू -3 -6 1 इंटू 1 +1 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस के यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 -3। इसको हम सॉल्व कर देते तो ये हो गया -6i -5j प्लस के। सब पे हम कैप डाल देते हैं बिकॉज ये कंपलसरी है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया v1 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7i माइनस ऑफ 5j प्लस ऑफ के कैप।